أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعده فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات الله दायरे के ऐलान का कोई मौका नहीं क्योंकि नमाज जुमे की वजह से वक्त में तंगी है, लिहाजा जदीन ऐलानात के पर्चे दिन से माजरत चाहता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर अर्ज़ करना है कि अलम फातफरात में जाफा शिरकत फरमाए जो नौजवान हैं, अगर वो वाकई जवान है तो मातम करते हुए चले। एक सलवार दे दो। अगर अपने को बूढ़ों की सफ़ों में शामिल समझते हैं वो, तो वो किनारे किनारे ज़्यारत करते रहे। और अगर वाकई कौम के जवान हैं वो, तो अब ये देखना है कि वहाँ बूढ़ा कौन है और जवान कौन है। यार हम मातम करते हुए चलना हो, क्योंकि वही शान है जुलूस की। जुलूस ज़ियारत ख़वातीन के लिए है, जुलूस ज़ियारत है वो ख़वातीन के लिए है, ज़ियारत है जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए है। ये मातमी जुलूस है, लिहाजा इसमें मातम करते हुए चलना है। हाथ बांध कर नहीं चलना है इसमें, यह हाथ बांधने वाला जुलूस नहीं है। अगर हाथ बांध के चले तो इसका मतलब है कि मातमी नहीं है। फिर तो मातम करते हुए चलना होगा, और मातम करते हुए आपको पूरे रास्ते आना होगा। तो ये गुजारिश है। और तो एक गुजारिश जल्दी जो बहुत अहम है कि कौम में तहरीकें चली। अलहम्दुलिल्लाह से तनामात का मामला जो है बड़ी हद तक आज़ाद हुआ, लेकिन अब भी कुछ बड़ा हिस्सा उसका जो है वो अभी आज़ाद नहीं हो सका है। और मुश्किल ये होती है कि हर तहरीक की ज़िम्मेदारी मुझी पर डाल दी जाती है, मुश्किल ये है, और कोई और आगे नहीं आता है। लिहाजा अब ये भी कहा जा रहा है कि आप ही कोई तहरीक शुरू कीजिए, तब कहीं जाकर ये बकिया चीज़ें भी आज़ाद होंगी। इसी तरह से सबसे बड़ा अलमिया हमारा कौम का ये है कि हमारी जो दरगाह नरही की करबला है, नरही की करबला है, और रोज़ा है, सातवें इमाम का रोज़ा है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का रोज़ा। और वहाँ जहाँ तक इत्तला मिलती, क्योंकि वहाँ अंदर छुप के सब काम होते हैं। देखिए हर जगह की इबादत खुली हुई होती है। मस्जिद में कोई भी आकर देख ले नमाज हो रही है, मंदिर में कोई भी जाकर देख ले वो अपने लिहाज से इबादत कर रहे हैं। गिरजाघर में आप जाकर देख सकते हैं कि जो ईसाई भाई हैं अपने लिहाज से इबादत कर रहे हैं, जो गुरुद्वारे हैं वहाँ भी इबादत होती है, वहाँ अपने लिहाज से इबादत होती है। वहाँ कहीं मना नहीं है कि आप मस्जिद में झांक नहीं सकते, ये मना है कि मस्जिद में कोई झांक नहीं सकता। हम कैसे नमाज पढ़ रहे हैं बिल्कुल इजाज़त नहीं आपको देखने की, नहीं, जो चाहे आकर देख सकता है कैसे इबादत हो रही है। मंदिरों में कैसे पूजा हो रही है सभी देख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं कि भाई कोई देख ही नहीं सकता। जो गिरजाघर है हमारे जो ईसाई भाई हैं वहाँ सब लोगों को आने की इजाज़त, सब जा सकते, देख सकते कैसे हो रही है वहाँ पूजा, और जितने भी इबादत गाह हैं। लेकिन वहाँ किसी को झाँकने की भी इजाज़त नहीं, कोई झांक नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि किसी ऐसे की वहाँ पूजा हो रही है, पूजा करने वालों को खुद शर्मिंदगी हो रही है पूजा करने। वो किसकी पूजा हो रही, जहाँ तक मुझे मालूम है कि शैतान की। अरे अगर नहीं हो रही है तो सबको दिखाइए भाई, दावत दीजिए आगे देखो, लेकिन छुपाना काहे का। इसका मतलब है कि कोई छुपा हुआ है जिसकी, जो सामने आकर नहीं बहकाता, तो उसकी आग की इबादत वगैरह कर रहे हैं। और गलब है वहाँ, जैसे पता चला कि जुआ खाना है वहाँ, तो कौम के लिए बेनतहा शर्म की बात है, बेनतहा शर्म की बात है कि हमारी दरगाह इस तरह से वहाँ जुआ खाना हो, वहाँ शैतान की परस्तिश हो, और उसके बाद वो हमारी करबला है और हमारी दरगाह है। लिहाजा मगर फिर भी वही जिम्मेदारी मुझी पर गोया, और किसी की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। उनका काम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, उसके अलावा और कुछ नहीं। काम सिर्फ एतराज़ करना, काम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करना, इसके अलावा और उनको कोई फरीज़ ही नहीं। तो लिहाजा इस पर भी देखिए कोई बड़ा जलसा करके इंशाअल्लाह इस पर भी कौम से बात की जाएगी, इस पर भी एक तहरीक चलना चाहिए इस पर, क्योंकि कौम के लिए बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह से एक हमारी करबला हो, उस पर इस तरह से नाजायज़ कबूल। तो वो एक बहुत बड़ा मसला है जिसको जो है उसको देखना है। दूसरी चीज़ ये है कि कौम के अंदर जो इंतशार अख्तलाफ, उसको भी देखना होगा हमें। जैसे इसीलिए मैंने जो मौजू बनाया वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है। अब ज़ाहिर है कि बहुत कम वक्त रह गया, आज भी जमे की वजह से बहुत कम गुंजाइश। इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है, ये उन्वान है। तो हम ये समझते हैं कि चाहे वो वहाबियत हो, मैं ज़ाहिर खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि चाहे वो वहाबियत हो, चाहे वो आज की अखबारियत हो, चाहे वो नुसैरियत हो, चाहे वो मलंगियत की सूरत में हो या किसी सूरत में हो, ये तमाम मुसलमानों में इख्तिलाफ इंतशार फैलाने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं, ताकि इनमें इत्तेहाद पैदा ना हो सके। और अगर इत्तेहाद पैदा हो जाए तो मुसलमान इतनी बड़ी ताकत बन जाएंगे कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। लिहाजा दुश्मन उनकी कोशिश ये होती है कि वो आपस में इत्तेहाद न होने, और वो खुद सामने नहीं आएंगे। देखिए अगर कोई आपका मुखालिफ कोई दूसरे मजहब का आकर कहे कि आपस में लड़ो, तो कभी नहीं लड़ेंगे आपस में, वो कभी नहीं लड़ रहे। वो उनकी हरकत ये होती है कि हम ही में से मौलवियों को खरीदा जाता है, हम ही में से मौलवियों को खरीद कर, जो मजहब के ठेकेदार, उनको खरीदा जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद उनके जरिए से आपस में लड़वाया जाता है। ये तालिबान क्या है, ये अलकायदा क्या है, ये सब क्या है, देखने में मुसलमान है मगर एजेंट किसके हैं? अमरीका के एजेंट किसके हैं? इसराइल के। इन्हीं के ज़रिए से सारे काम होते हैं। सिर्फ अमेरिका इसराइल है, तो मैं तो अमेरिका इसराइल तो एक अलामत है इस्लाम दुश्मनी की, वरना बहुत से मुल्क शामिल हैं उसमें, बहुत से मुल्क शामिल हैं कि जिनके लिए मेरा मौका नहीं कि यहाँ के बहुत तमाम मुल्कों का नाम मैं यहाँ पर ले सकूँ। मुल्क शामिल है, इन्हीं के ज़रिए से उनको असलहा, इन्हीं के ज़रिए से गोला बारूद, ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं, और फिर अपने ही एजेंटों के ज़रिए से एहतजाज भी करवाते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता यहाँ के। तो बहुत से मुल्क इन तमाम चीज़ों में शामिल हैं कि वहाँ के ऊपर, लेकिन अभी बालवा पाकिस्तान में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। लेकिन कभी आप सुन लीजिए, जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात सुनी जाए। देखिए मेरी तकरीरों से बहुत से लोगों को परेशानी हो रही, जितने फसादी मौलवी सबको परेशानी हो रही, क्योंकि वो जो हक के नमक है वो नहीं अदा कर पा रहे हैं, कि जो उनको फसाद फैलाना है उसको वो अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा उनको परेशानी ज़्यादा हो रही है। फसाद फैलाने की अगर बात की जाएगी तो वो खुश होंगे कि भाई ये तो हमारी मिशन को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इधर इत्तेहाद की बात हुई, इधर गलतफहमियाँ दूर करने की बात हुई, इधर उनमें खलबली पैदा हो गई। लिहाजा सुना है कि बहुत से मौलवियों की तरफ से ये आवाम से ही कहा गया है कि देखो अब लाउड स्पीकर तो बहुत ज़ोरों से बज रहे हैं, तुम तो ये तो नहीं कर सकते कि तुम लाउड स्पीकर बंद करवा दो, ये करो अपने कान के अंदर तुम रुई ठूस लो ताकि इनकी बात ना सुन सको। तो इसका मतलब है कि वही नस्ल है जो अभी तक चली आ रही है, जो ये कहा करते थे कि देखो रसूल की बातें ना सुनो। एक साल बाद भेजे बुलंदा, तो इस तरह की बातें पेश हो रही हैं कि साहब इनकी बातें ना सुनो, क्योंकि वो जो मिथ बना रखा था उन्होंने शीयत के खिलाफ, जो अफसाने बना रखे थे शीयत के खिलाफ, वो अफसाने खत्म हो जा, वो तिलिस्म टूट रहा है जो उन्होंने बना रखा था। कि साहब ये तो काफिर हैं, ये तो मुशरिक हैं, ये तो अली को अल्लाह मानते हैं, ये तो अइम्मा को रसूलों से और अम्बिया से और खुदा से बढ़ा दिया करते हैं। ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, उनकी जो अवाम में गलत फहमियाँ फैलाते रहे हैं वो ख़त्म हो रही हैं। सर मैंने अर्ज़ किया कि अब्दुल्लाह इब्न सबा के सिलसिले क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया है, अब्दुल्लाह इब्न सबा के सिलसिले मैंने अर्ज़ किया कि कहा जाता है कि सारा हंगामा जो फैलाया उसने वो अब्दुल्लाह इब्न सबा नाम का एक शख्स जो यहूदी था और शीयत की बुनियाद जो है वो अब्दुल्लाह इब्न सबा ने डाली। और देखिए वह है फारसी मसल है कि दरोगोरा हाफिजा ना बादशाह, झूठे के पास हाफिजा नहीं होता है। अभी एक झूठ बोलता है फिर दूसरा झूठ बोलता है जो बिल्कुल अलग होता है उससे, मुतजाद, बिल्कुल कंट्राडिक्टरी। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न सबा के सिलसिले में बिल्कुल कंट्राडिक्टरी चीज़ें मिलेंगी आपको, मुतजाद चीज़ें मिलेंगी आपको, एक दूसरे की ज़िद चीज़ें। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि वो कहता था अली खुदा है, ये कहा कि उसने ये नज़रिया फैलाया कि अली अल्लाह है, अली खुदा है, अब्दुल्लाह इब्न सबा। और उसके बाद उसी के नीचे लिखा हुआ, मैंने खुद देखा किताबों में, उसी के नीचे लिखा हुआ कि ये अब्दुल्लाह इब्न सबा ही था कि जिसने नज़रिया पेश किया कि अली रसूल के वसी हैं। पूरी तवज्जो रहे, जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, अगर किसी ने कानों में रुई डाल ली है तो थोड़ी देर के लिए निकाल लें ताकि ये तो पता चले कि हक़ और हक़ानियत क्या, माने जाए ना माने मगर कम अज़ कम सुन ले। मैं नहीं जिद करता कि मान ली जाए मेरी बात, लेकिन कम अज़ कम बात सुन ली जाए, क्योंकि कुरान का खुद हुक्म है कि देखो सब की बात सुनो मगर जो बात अच्छी लगे उस पर अमल करो। तो खुद कुरान ने कहा सब की बात सुनो, लिहाजा अगर आप कुरान के मानने वाले तो हमारी बात भी कम अज़ कम सुन लीजिए, मानिए चाहे ना मानिए, ये हमारा इसलार नहीं है। तो आप देखें कि ऊपर लिखा हुआ अब्दुल्लाह इब्न सबा ने अकीदा फैलाया कि अली जो है वो खुदा है, अल्लाह है, खालिक है, मालिक है, पैदा करने वाले हैं, पूरी कायनात को अली ने पैदा किया। ये अब्दुल्लाह इब्न सबा का अकीदा लिखा जाता है। उसके नीचे लिखा हुआ कि यही अब्दुल्लाह इब्न सबा कि जिसने ये अकीदा फैलाया कि अली रसूल के वसी हैं, जानशीन हैं और पहले जानशीन हैं, ये अब्दुल्लाह इब्न सबा ने अक़ीदा फैलाया। फिर उसी के नीचे लिखा हुआ है कि अब्दुल्लाह इब्न सबा ने अक़ीदा फैलाया कि अली ही महदी हैं और यही रजत करेंगे और यही जो है वो दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। तो एक तरफ तो लिखा जाता है कि अब्दुल्लाह इब्न सबा कह रहा है कि अली अल्लाह है, दूसरी तरफ ये नीचे अक़ीदा कि अली रसूल के वसी हैं, तीसरी तरफ ये अक़ीदा कि मेहदी हैं। तो मुझे इतना बताओ कि अली अल्लाह भी हैं, रसूल के वसी भी हैं और मेहदी भी हैं, तो जो अल्लाह हो किसी रसूल का वसी कैसे हो सकता है? जो खुद अल्लाह हो तो उसका वो किसी रसूल का वसी कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब यह है कि वही दरोगोर हाफिज़ बाशत, वही मसाला आ रही है। मिसाल यहाँ पर कि एक दफ़ा तो कहा कि अब्दुल्लाह इब्न सबा ने कहा कि अल्लाह है, फिर भूल गए क्या कहा था, फिर कहने लगे यही अब्दुल्लाह इब्न सबा जो कह रहा है कि सबसे पहले वसी जो है, जानशीन जो है वो अली रसूल। उसके बाद उसी की तरफ ये अक़ीदा मंसूब कि भाई वो कहता है कि ये मेहदी है। तो खुद कंट्राडिक्टरी चीज़ें पेश की जा रही। दूसरी चीज़ ये कि जनाब ये कहा गया था तो उस्मान के कत्ल में इसी की साजिश थी और इसी ने सबको भड़काया। और उसके बाद यहाँ तक कि क्योंकि जनाब अबू ज़र और माल यासिर अपने ज़माने की हुकूमतों के ख़िलाफ़ थे, अपने ज़माने के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ थे और उनके ख़िलाफ़ बात करते थे, लिहाजा अब ये मशहूर किया गया कि अम्मार यासिर और अबू ज़र भी अब्दुल्लाह इब्न सबा के साथियों में थे, क्योंकि अब क्योंकि सहाबी रसूल हैं जनाब अबू ज़र भी, सहाबी रसूल हैं जनाब अम्मार भी, और ये नज़रिया पेश किया जा चुका है सब आदिल है और सब हक पर है, सब आदिल और सब हक पर है। तो जब आदिल और हक पर हैं तो फिर आपस में झगड़ा क्यों, फिर आपस में जंगे क्यों, फिर आपस में एक दूसरे का कत्ल क्यों? तो उसको छुपाने के लिए उस बात के वो पर्दा डालेगा कि सब ये अब्दुल्ला इब्न सबा के साथ हो गए थे, ताकि वो नजरिया अदालत सहाबा जो वो बाकी रहे कि सब जितने भी रसूल के सहाबी हैं सब आदिल हैं। तो अम्मार भी तो सहाबी हैं, अबू जर भी तो सहाबी हैं, इनके बारे में क्या कह रहा था कि अब्दुल्ला इब्न सबा के साथ हो गए थे। दूसरी चीज़ जंग जमल के सिलसिले में मैंने कहा कि बहुत कम वक्त रह गया, तो इसके लिए तो कई असरे चाहिए हैं तमाम चीज़ों को बयान करने के। दूसरी चीज़ ये कहा कि जंग जमल आपको मालूम है, तफसील याद करना है कि एक तरफ उम्मुल मोमिनीन है, दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन है। अब जंग हो रही है, अब इसको कैसे दोनों साबित करें कि दोनों हक पर। बड़ी मुश्किल पेश आई उलमा के, मुसलमान उलमा को बड़ी दिक्कत पेश आई, अजीब उसमें भंवर में फंसे हुए कि इनको कहें कि उनको कहें, ये हक पर या वो हक पर, ये क्या किया जाए। यहाँ पर फिर अब्दुल्ला इब्न सबा को लाया गया, उसकी टांग खींची गई, फिर अब्दुल्ला इब्न सबा की टांग खींच के लाया गया कि हाँ दोनों लश्कर साथ में एक दूसरे के मुखालिफ जमा तो हो गए थे मगर सुलह हो गई थी आपस में। मगर जैसे ही अब्दुल्ला इब्न सबा को मालूम हो कि सुलह हो गई है, तो उसने रात में अपने साथियों से दोनों तरफ हमला करवा दिया। इधर वाले समझे कि उधर ने हमला किया, उधर वाले समझे कि इधर ने हमला किया, लिहाजा आपस में लड़ने लगे, कुछ तो खून हो गया। तो शब में अगर गलतफहमी हुई थी तो दिन में तो गलतफहमी मिट जाना चाहिए थी, फिर ये इतने दिन तक जंग कैसे होती रही। पूरी तवज्जो रहे, फिर इतने दिन तक जंग कैसे होती रही। तो अब तारीख का वाकया आपके सामने रख दूं। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में अब्दुल्ला इब्न सबा ने इधर भी अपने साथियों से हमला करवा दिया, उधर भी करवा दिया, और दोनों लश्कर वाले समझे कि हमारे मुखालिफ दूसरे लश्कर ने हम पर हमला किया, लिहाजा आपस में टकरा गए और लड़ गए, लिहाजा गलतफहमी में हो गई जंग। अब सुनिए तारीख का वाकया, जो कहा जाता गलतफहमी में जंग हुई। तारीख का वाकया सुनिए। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ऐलान किया कौन है जो ये जमल वाले हैं इनके सामने जाकर हक बयान करे और कुरान के अहकाम बयान करो, उनके उसे कहे कि कुरान की बुनियाद के ऊपर बात करो, कुरान की आयतों की बुनियाद पर बात करो। कौन है जो उनके सामने जाए कुरान लेकर कौन उनके सामने है जो जाए। एक नौजवान मुस्लिम इब्न मुशाजई नाम का था, मुस्लिम मुशाजई नाम था उसका। वो खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मैं जा रहा हूँ। उसके बाद उसने कुरान मजीद लिया अपने हाथ में। ये रात का वाकया नहीं है, दिन का वाकया है। कुरान मजीद हाथ में लिया उसने और उनके सामने पहुंचा, जमल के पूरे सामने, जिसमें कितने असहाब थे उसमें जमल में, मौला अली के मुकाबले में कितने असहाब रसूल वहाँ पर मौजूद थे। उन सब के सामने कुरान लेकर पहुंचा कि कुरान के ज़रिए फैसला करो कि कुरान में क्या कहा जा रहा और क्या हुक्म लिया जा रहा। कुरान में इत्तेहाद का हुक्म है कि इख्तिलाफ का हुक्म है, लेकिन इसकी बुनियाद पर आपस में इत्तेहाद करो। तारीख में दर्ज है उसके हाथ में कुरान मजीद था, आगे बढ़कर उसके हाथ पर वार किया गया। जिस हाथ में कुरान मजीद था वह हाथ उसका कटा, कुरान मजीद गिरने लगा, उसने बाएं हाथ से कुरान संभाल लिया, कुरान मजीद बाएं हाथ से संभाला। मैं फिर कह रहा हूं इस कुरान के जरिए से फैसला करो, कुरान में इत्तेहाद का हुक्म है, इख्तिलाफ का नहीं। फिर वार किया गया उसके दूसरे हाथ पर, बायां हाथ भी उसका कटा। अब कुरान गिरने लगा तो उसने अपने जो कटे हुए हाथ थोड़े से बाकी रह गए थे, उन्हीं से कुरान पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। अब जो एक तीर मारा गया उसके, तो तीर ऐसा था कि कुरान को छेदता हुआ उसके सीने में जाकर दर आया और वहीं वो तड़प कर शहीद हो गया। तो मुझे इतना बताओ, ये तो किसी गलतफहमी की बुनियाद पर नहीं हुआ था, ये तो दिन की रोशनी में हो रहा था। और दूसरी चीज ये है कि ये कहा जाता है कत्ल हजरत उस्मान में सब यही इसी की साजिश थी, पूरा सबको इसी ने भड़काया था, वही लश्कर लेकर आया था और वही कत्ल का पूरा जिम्मेदार है, खलीफा साली कत्ल का पूरा जिम्मेदार यही है। लेकिन अजीब दिलचस्प बात है, पूरी तारीखें देख डालिए, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पूरी तारीखें देख डालिए कि जब हजरत उस्मान ने अपने मुखालिफिन का तस्करा किया तो मुखालिफिन में उनने बहुत से नाम लिए मगर कहीं अब्दुल्लाह इब्न सबा का नाम नहीं लिया। अगर अब्दुल्लाह इब्न सबा का कोई वजूद होता तो सबसे पहले उनका नाम, उनको उसी के नाम लेना चाहिए था कि सबसे बड़ा मेरा दुश्मन अब्दुल्लाह इब्न सबा है कि जो सबको भड़का रहा है। तो इसका मतलब है कि एक फर्जी, एक ख्याली, एक अफसानवी शख्सियत कि जिसको गढ़ा गया शीयत को बदनाम करने के लिए। और उसके बाद अब नहीं वक्त है लेकिन मौजूद है कि सैफ इब्न उमर नाम का एक शख्स था तबरी में, उसका नाम आया कि इसने पूरा वाकया ये बयान किया और ये इसका रावी है। तमाम उलमाए अहले सुन्नत ने सैफ इब्न उमर के सिलसिले में जो रावी है अब्दुल्लाह इब्न सबा के वाकयात का, उसके बारे में लिखा है कि वो जिंदीक था, काफिर था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा था। खुद उलमाए अहले सुन्नत ने उसके बारे में लिखा है, जो इल्म रिजाल के माहिरीन हैं उलमा अहले सुन्नत में, उन्हीं ने उसके बारे में लिखा है कि उससे बड़ा कोई झूठा नहीं था। उसने पता नहीं कितनी हदीसें गढ़ी, कितने वाकयात गढ़े और कितनी जंगें उसने इतनी ख्याली गढ़नी कि जिनका तारीख में कोई वजूद भी नहीं था। ये उलमा अहले सुन्नत उसके लिए लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ बनी उमैया बनी अब्बास के ज़माने में ये सिर्फ शियोत को बदनाम करने के लिए और मौला अली के चाहने वालों को बदनाम करने के लिए अब्दुल्लाह इब्न सबा का एक फसाना गढ़ा गया, वरना अब्दुल्लाह इब्न सबा ने जो अकायद पेश किए हैं वो उसका शियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। न शिया अल्लाह मानते हैं, न मौला अली को महदी मानते हैं। और हाँ, ये अकीदा यकीन हमारा है कि पहले वसी हैं, पहले जानशीन हैं, मगर ये अब्दुल्ला इब्न सबा की बुनियाद पर नहीं है, ये दावते जुलशीरा के ऐलान की बुनियाद पर। एक सलवात भेज दे क्योंकि वक्त बहुत कम है, ज़्यादा मजबूरी है मेरी। इसी तरह से नुसैरियत के मैंने कुछ चीज़ें अर्ज़ की, मैंने कहा उसके कई मजलिसें चाहिए क्योंकि अइम्मा मासूमीन की हदीसें, अइम्मा के ज़माने में कोई नुसैरी नहीं था, गाली कहलाते थे, गुलू करने वाले, नुसैरी कोई नहीं था। अब क्या की जाए, बड़ी मजबूरी है, अब तमाम शोरा को अपने अशार वापस लेना पड़ेंगे। कोई नुसैरी नाम की कोई चीज थी नहीं, गाली थे, गाली। किसी भी हदीस में कहीं नुसैरी का नाम नहीं, किसी में गाली थे, गाली गुलू करने वाले, गुलू करने वाले। गुलू करने वाले दो तरह के थे, मौला अली के ज़माने में थे, मौला अली के ज़माने में थे, तमाम अइम्मा के ज़माने गुलू करने वाले थे। मगर वो कौन थे, उनके लिए तीन किस्में बयान की गई गुलू। एक तो सादा लौह लोग थे जो नए नए मुसलमान हुए, उन्हीं ने जब इनकी करामतें देखी, जब इनके एजाज, इनके इल्म की मंजिल देखी, इनके कमालात देखे, तो ऐसे वो मबहूत हो गए कि घबरा कर कहने लगे कि ये इंसान नहीं खुदा है, क्योंकि उनमें सलाहियत की कमी थी। नहीं समझ रहे थे कि खुदा नहीं है बल्कि उसके सिफात का परतव है, उसके कमालात का अक्स आया इनमें। मगर वो घबरा कर कहने लगे, सादा लौही में, जहालत में कहने लगे ये खुदा है, ये अल्लाह है। अच्छा, दूसरे वो लोग थे कि जो दुश्मन थे, तवज्जो रहे, दुश्मन थे। उन्हीं ने बहुत बड़े बड़े असहाब जो बहुत मोतबर थे अइम्मा के साहब, उनकी तरफ गलत निस्बतें दी कि ये भी इनको खुदा मानते हैं, ये भी अल्लाह मानते हैं, ताकि शीयत को ख़त्म कर दिया जाए कि सब काफिराना इनके ख्यालात हैं, लिहाजा शीयों के करीब न जाना। बड़े बड़े असहाब दुश्मनों ने निस्बत दी, झूठी निस्बत। और तीसरा ग्रोह कौन था? तीसरा ग्रोह वो था कि जिन्हें इस सादा लॉ ऑफ राज से फ़ायदा उठाया और इस बात की तबलीग की कि सारे आइम्मा जो हैं खुदा हैं और हम उनके नबी हैं। तारीख में जिनके नाम मिलते हैं सईद इब्न मुगैरा, अबुल खत्ताब, बयान इब्न तब्बान, ये और बहुत से नाम हैं। 7 लोग ऐसे हैं कि आइम्मा मासूमीन ने उन पर लानत की है। और ये वो लोग हैं कि जो कहते थे कि ये अइम्मा जो है खुदा हैं, बात कहते कि खुदा इनके अंदर हुलूल कर गया है, खुदा इनके अंदर हुलूल कर गया है। तो हुलूल के कायल थे, वही तनासुब के कायल थे, वही तशबीह के कायल थे। ये तमाम अकायल उनके ज़रिए से फैलाए गए थे और इमामों ने उन पर लानत की है और इनके बारे में कहा है कि जो हमको खुदा समझ रहे हैं ये नसारा से, यहूदियों से और मुशरिकों से बदतर हैं। जो हमको खुदाई का दर्जा दे रहे हैं ये मुशरिकों से बदतर हैं, ये नसारा और यहूदियों से बदतर हैं, लिहाजा इन पर हमारी लानत हो। और उसके बाद अपने शियों से कहा है कि देखो इनके करीब ना जाना। हमारे 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस है, सुनिए हदीस, सुन लीजिए। हदीसें बहुत हैं, बहुत हदीसें, लेकिन क्योंकि मुमकिन नहीं कि एक तो याद रखना मुश्किल है, दूसरे के वक्त भी नहीं है। इमाम की हदीस है, इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो इन गालियों से नफरत करता है वही हमसे मोहब्बत करता है। इन गुलू करने वालों से, गुलू करने वालों से कि जो हमको खुदाई का दर्जा दे देते हैं, जो उलूहियत का दर्जा देते हैं, जो इनसे नफरत करता है वो हमसे मोहब्बत करता है और जो उनसे मोहब्बत करता है वो हमसे नफरत करता है। जो इनका दोस्त है वो हमारा दुश्मन है, जो इनका दोस्त है वो हमारा दुश्मन है, जो हमारा दुश्मन है वो उनका दोस्त है। ये इमाम ने इरशाद फरमाया जो उनके साथ भलाई करता है वो हमारे साथ बुराई करता है, जो उनके साथ बुरे तौर पर पेश आता है वही हमारे साथ भलाई करता है। और देखो अपने जवानों को इनसे दूर रखो, अपने बच्चों को इनसे दूर रखो। और फिर इमाम ने फरमाया कि देखो कुछ लोग वो हैं कि जो हमें मर्तबे से कम करते हैं, जो मुकस्सरीन हैं, और कुछ लोग वो हैं जो हमको मर्तबे से बढ़ा देते हैं, जो गाली हैं। याद रखो कि मुकस्सरीन अगर आएंगे तो हम उनको अपने पास जगह दे सकते हैं, मगर हमको रुतबे से जो बढ़ाने वाले आ रहे हैं उनको हम अपनी जगह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो रुतबे को घटा रहा है उसकी हिदायत का इम्कान है। हो सकता है हमारे करीब बैठकर वो समझ जाए कि इनका मर्तबा क्या है, इनके फजाइल और कमालात क्या हैं, लेकिन जो हमारे पास बैठकर हमको अल्लाह का दर्जा दे रहा है उसकी हिदायत का कोई इम्कान नहीं। इसीलिए 11वें इमाम ने हुक्म दिया था, 11वें इमाम का हुक्म मौजूद है। उसी ज़माने में एक शख्स था जो बहुत ज़्यादा इस बात के प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो इमाम ने हुक्म दिया कि इसका खून हलाल है। अरे जो इसके सर को कुचल देगा मैं उसके लिए जन्नत की जमानत दे रहा हूँ। और इमामों का इरशाद है कि शीयत को उसके दुश्मनों से इतना नुकसान नहीं पहुंचा, हमको हमारे दुश्मनों से इतना नुकसान नहीं पहुंचा कि जितना शीयत को इन लोगों से नुकसान पहुंचा है कि जिन्होंने हमको उलूहियत के दर्जे पर पहुंचा दिया है, क्योंकि इनके ज़रिए से, इनकी वजह से लोगों को मुतनफ़िर किया गया शीयत से, इसकी वजह से शीयत को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। और इन्हीं का अक़ीदा ये था कि हर चीज़ मुबाह है। और वो मैं बयान नहीं कर सकता, मैं इतना हल्का सा इशारा सुन लीजिए कि सुअर का गोश्त जायज़ है खाना इनके यहाँ, इनके यहाँ खून का इस्तेमाल जायज़ है, मुर्दार खा सकते हैं, हर चीज़ खाई जा सकती है, हर चीज़ खाई जा सकती है, क्योंकि अल्लाह ने किसी चीज़ को मना नहीं किया है। और कुरान की एक आयत पेश करते हैं, उसकी दलील में पेश करते हैं, सूरह मायदा की आयत नंबर 53 उसको दलील में पेश करते हैं कि कुरान में ऐलान हुआ है कि या इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, तवज्जो रहे सूरह मायदा की आयत नंबर 93 उसको बतौर दलील पेश करते हैं कि इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात फला जुनाहा अलैहिम फीमा तअमू, अरे जो ईमान ले आए, जिन्होंने अमल साले किया, उन्होंने जो कुछ भी खा लिया उस पर कोई गुनाह नहीं, उन्हें जो कुछ भी उन्हें तअमू माजी का सीगा, जो कुछ भी उन्होंने खा लिया उसका उन पर कोई गुनाह नहीं। तो जब कुरान ने इजाज़त दे दी कि जो दिल चाहे खाओ कोई गुनाह नहीं, तो हम सुअर का गोश्त भी खा सकते हैं, हम मुर्दार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए, अगर कोई नुसेरी आए तो सारे चीनी खाने, कि इसमें छिपकली भी होती है और गिरगिटान भी, कहीं जब सब चीज़ें जाए तो इसको भी नोश करो। नहीं नहीं, उलमा ने बताया कि नहीं, गलत इस्तेमाल किया आयत का, फीमा तअमू, जो तुम खा चुके। ये मुसलमानों के लिए और मोमिनों के लिए नहीं हो रही है बात, इसमें फीमा तअमू यह है कि जो नए नए मुसलमान हुए थे, ये उन्हीं ने आकर रसूल की खिदमत में कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम तो पता नहीं क्या क्या खा चुके हैं, हमने पता नहीं क्या क्या खा लिया, अब हम मुसलमान हो गए। उस वक्त यह आयत नाज़िल हुई कि जो खा चुके उसका तुम पर कोई गुनाह नहीं है, हाँ अब आइंदा ना खाना। तो ये आइंदा खाने की इजाजत नहीं है, जो काफिर खा चुके थे मुसलमान हुए उनके लिए कहा जा रहा है। तवज्जो रहे, बस ज्यादा कोई सख्त मौजू है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों जवानों तक बात पहुंचे। इसी तरह पर आखिरी चीज इनके लिए करना चाहता हूँ, यह है कि न नमाज पढ़ते हैं, इन्हें न रोज़ा रखते हैं, ये न हज पर इनको जाना है, न किसी खुम्स व ज़कात देना है, न कोई चीज़ वाजिब है न कोई चीज़ हराम है। इनका नज़रिया सुन लीजिए, न कोई चीज़ वाजिब न कोई चीज़ हराम, न नमाज वाजिब है, न रोज़ा वाजिब है, न हज वाजिब है, न खुम्स व ज़कात वाजिब है, और न इसी तरह कोई चीज़ हराम भी नहीं है। फिर ये क्या चीज़ वाजिबात क्या है, फिर ये मुहर्रमात क्या है? क्या वाजिबात से मुराद है अइम्मा मासूमीन, और जो चीजें हराम है उससे मुराद है अइम्मा के दुश्मन। नमाज से मुराद है खुद इमाम, रोजे से मुराद है खुद इमाम। तो जब हमको इमाम की मारिफत हासिल हो गई तो हमें नमाज भी हासिल हो गई, रोजा भी हासिल हो गया, हज भी हासिल हो गया। तब तो हमें हज पर जाने की जरूरत नहीं, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मारिफत के बाद इमाम की फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि खुद इमाम ही जो है वो नमाज है, खुद इमाम ही रोज़ा है, खुद इमाम ही हज है। पर तवज्जो रहे तो करना चाहता हूँ, ये उन्होंने गलत फहमियाँ फैलाई, आज भी ये गलत फहमी है, आज भी जो अपने को नुसैरी कहते हैं उनमें यही गलत फहमी है कि जब कह दिया कि हम ही नमाज हैं तो हमें उनसे मोहब्बत है, नमाज अदा हो गई। जब अइम्मा ने कह दिया कि हम खुद ही रोज़ा हैं तो हमने मोहब्बत कर ली, रोज़ा अदा हो गया, लिहाजा हमें नमाज रोजे की जरूरत नहीं। जिनको मोहब्बत नहीं है वो नमाजें पढ़े, वो रोजे रखे। तो इसका जवाब पहले ही हमारे 8वें इमाम ने फराहम कर दिया है, इसका जवाब पहले ही हमारे 8वें इमाम ने फराहम कर दिया है। वो उनका बहुत मशहूर मुनाजरा कि एक ईसाई मजहब का एक बहुत बड़ा आलिम आया और बहुत लंबा तवील मुनाजरा हुआ, तमाम अर्ज नहीं करना, सिर्फ एक पहलू जो हमारे बात से मतलब रखता है यहाँ से, इसको शाहिद मिसाल कहते हैं, वो पेश करना चाहता हूँ कि इमाम ने उससे कहा कि मैंने सुना यह है कि ईसा न नमाज पढ़ते थे, न सजदे करते थे, न रोज़ा रखते थे। उसकी ज़मीन पर शिकन पड़ गई कि आप कैसे आलिम हैं, तौहीन कर रहे हैं ईसा की। अरे बेशुमार नमाजें पढ़ी ईसा ने, बेशुमार सजदे किए ईसा ने, जैसे उसने इकरार किया। तो इमाम फरमाते हैं, अरे जब वो खुद खुदा थे तो फिर नमाज किसकी पढ़ते थे? जब वो खुद खुदा थे तुम्हारी निगाहों में तो सजदा किसको करते थे? तो यही जवाब इन्हीं का भी है कि जब इमाम खुद नमाज है तो अब नमाजें किसकी पढ़ रहा है? वो जब खुद रोज़ा रख रहा है तो खुद रोज़ा है तो मैं रोज़ा किसके लिए रख रहा है? सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले सलवात। मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद अपना तस्करा मिंबर से करूँ, मगर मजबूरन करना पड़ रहा है कि भाई ये जो इतनी मजलिसें मेरे सर पर आ गई हैं मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि रोज़ एक पोस्टर का और एक बैनर का इजाफा मैं देख रहा हूँ कि जिनकी बहुत सी मजलिसों से मैंने माजरत कर ली थी कि भाई ये मजलिसें मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन मेरी माजरत के बाद भी वहाँ बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं। क्योंकि अब नहीं मजबूरन ये जुमले कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना तस्करा करूँ मिंबर से कि लीवर जो है वो इन लार्ज बताया गया है कि जिगर आपका बढ़ा हुआ है, गुर्दे में पथरी बताई हुई है, ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें सब में आराम बताया गया है कि आप आराम कीजिए। लिहाजा ये 5-5, 6-6 मजलिसें रोज़ाना पढ़ना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन हो रहा है, लेकिन वो अब मजबूरन मुरव्वत में जब मुझे सब, इसीलिए बहुत ही माफ़ी के साथ कि इस साल मसायब कुछ कम रह गए, बस इस वजह से मसायब कम रह गए क्योंकि मैं ज़ोर लगा के पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मुझसे जिगर में तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। लिहाजा वो मसायब जितना मुझे पढ़ना चाहिए जितना हर साल पढ़ता था वो उतने मसायब नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये बेइंतहा मेरे लिए खुद अलमिया है ये, और इनको खुद मुझे बेइंतहा अफसोस इस बात का कि इतना जिस तरह से मसायब मुझे पढ़ना चाहिए उस तरह से मसायब नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं मजलिस भी धीमे पढ़ रहा हूँ और मसायब भी मैं धीमे पढ़ रहा हूँ और मुख्तसर। तो उसके लिए मैं इंतहा इमाम की खिदमत में भी माजरत खा हूँ और आपकी खिदमत में भी माजरत खा हूँ कि मुझे ये कमी रह रही है। लिहाजा इतना बोझ पर ना डालें कि भाई आपको जाकरीन तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। तो बस इससे हालांकि मैं आपकी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन अब दामन में गुंजाइश नहीं है। आप देखें कि इसी लिहाज से आज भी साजिशें हो रही हैं, ये रसूलुल्लाह की जो तौहीन होती है वो भी उसी साजिश का हिस्सा है। ये अमेरिकी एजेंट, ये इसराइली एजेंट जो इस्लाम की सूरत में आते हैं, कभी कहते हैं कि रसूलुल्लाह के सिलसिले में कि वो हमारे जैसे थे, कभी कहते हैं, अभी एक शख्स ने कहा कि साहब वो मिट्टी हो गए क्योंकि हम मिट्टी के बने हुए थे, क्योंकि रसूल हमारे जैसे होते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर रसूलुल्लाह की मारिफत हासिल करना है तो सिवाय हमारे इमामों के किसी और से मारिफत नहीं हो सकती, क्योंकि ये दिल के टुकड़े हैं, जिगर के टुकड़े हैं, सही मारिफत इन्हीं के ज़रिए से हो सकती है। ये बात कही गई कि अजीब चीज़ है, मजबूरन जुमले पेश करना पड़े। मर गए, खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए, उस शख्स को आज मुसलमान सलाखों में बिठा रहे हैं जो ये कह रहा है कि मिट्टी में मिल गए रसूल, खत्म हो गए। एक मुर्दे को क्या पुकार है जो मिट्टी हो चुका? नहीं समझे तुम के रसूल हैं कौन, नहीं समझे कि उनका मर्तबा क्या है, नहीं समझे कि उनका शरफ क्या है। ये तो देखो कि कुदरत ने कुरान मजीद में किसी नबी को वो शरफ नहीं दिया कि जो हमारे रसूल को अता किया गया। यहाँ तक कह दिया गया कि गुनाह कर सकते थे, यहाँ तक कह दिया गया शैतान बहका लेता था, हमसे कहा जाता है कि हम आइम्मा को बढ़ा देते रसूलों को, मजबूरन कहना पड़ रहा है। लेकिन दो रिवायतें मुतज़ाद मौजूद हैं। एक रिवायत क्या है कि एक बहुत मशहूर सहाबी के लिए रसूल ने इरशाद फरमाया कि शैतान उनको देख कर भागता है। उनके फजाइल में हदीस मौजूद है कि शैतान को देखकर दूर भागता, करीब नहीं आता उनके शैतान। तो जहाँ ये रिवायत मौजूद है वहाँ दूसरी रिवायत मौजूद है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह बहुत थके हुए थे और नमाज का वक्त थोड़ी दूर था, सुबह की नमाज का वक्त। उन्होंने जनाब बिलाल से कहा कि बिलाल मुझे नमाज के वक्त जगा देना। बहुत मोतबर किताबों में ये वाक़या मौजूद है कि जगा देना, मैं ज़रा आराम करना चाहता हूँ, मुझे जगा देना, नमाज के बाद जगा देना। अब जो रसूल की आँख खुली तो सूरज निकल चुका था। बिलाल से पूछा कि मैं तुमसे कहा था जगा दो, तो कहा कि बिलाल ने कहा मैं भी सो गया था, मैं भी नहीं जगा सका। तो इसका मतलब है कि जनाब बिलाल अजान देते थे, रसूल नमाज पढ़ाते थे। उस दिन अजान हुई और न नमाज हुई। बाद में रसूल ने फरमाया कि मुझ पर और तुम पर दोनों पर शैतान तारी हो गया था। हमसे कहा जाता है कि हम अइम्मा को रसूल से बढ़ा देते हैं। अब ये हदीस मौजूद है, दोनों हदीसें मुकायसा कर लीजिए, मुकाबला कर लीजिए कि एक सहाबी रसूल है जिससे शैतान दूर भाग रहा है, और दूसरी तरफ रसूल है जिन पर शैतान मुसल्लत हो रहा है। तो किसका मर्तबा बड़ा हुआ? का मर्तबा बड़ा हुआ। अरे अगर आए तत्हीर पर अकीदा होता तो रसूल के लिए ऐसा अकीदा नहीं हो सकता, क्योंकि आए तत्हीर ऐलान कर रही है कि इससे हर रिश्त दूर है, हर रिश्त दूर है, और कुरान शैतान को रिश्त कह रहा है। इसी तरह से रसूलुल्लाह एक तरफ आप देखे खुद दुरूद कह रहा है कि रसूल जिंदा हैं। तवज्जो चाह रहा हूँ आप हजरात की, शायद पहली मरतबा मैं बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो चाहूँ जहाँ जहाँ मजमा है। सो खुद सलावात कह रही दलील है, सलावात अजान इस बात की दलील है कि रसूल जिंदा। खुद सलावात इस बात की दलील है कि रसूल जिंदा हैं। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, क्या ऐलान हो रहा है? अल्लाह और उसके मलाइका रसूल के ऊपर दुरूद भेज रहे हैं। सिर्फ मलाइका नहीं, अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है। तो याद रखो कि नमाजें खत्म हो जाएंगी, रोजे खत्म हो जाएंगे, हज खत्म हो जाएगा, इबादतें खत्म हो जाएंगी। अरे जब कयामत आएगी तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। जब जमीन ही खत्म हो जाएगी तो न कोई मस्जिद बाकी रहेगी, न कोई इबादत खाना बाकी रहेगा, न कोई इंसान बाकी रहेगा, यहाँ तक कि जो मलाइका हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हर इबादत खत्म हो जाएगी, मगर दुरूद पढ़ने वाला बाकी रहेगा। जिसका नाम है अल्लाह। तो आप याद रखें, जो करना चाहता हूं कि हज का हुक्म, पूरी तवज्जो रही, ये मुमकिन ही नहीं कि हज का हुक्म तो हो मगर काबा ना हो। अरे तवज्जो चाह रहा हूँ हजरात की, ये मुमकिन ही नहीं कि हज का हुक्म तो कुरान में हो मगर काबा ना हो। ये मुमकिन ही नहीं कि आए तथीर कुरान में हो और आए तथीर का कोई मिस्दाक ना हो ज़मीन के ऊपर। ये मुमकिन ही नहीं कि आए मुवद्दत हो और आए मुवद्दत का कोई मिस्दाक ना हो। ये मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह दुरूद भेज रहा हो और दुरूद के मिस्दाक मौजूद ना हो। एक ईसाई राहब आता है, पहुंचता है दरबार खिलाफत में, मैं साबित कर दूंगा कि हर नबी तुम्हारे नबी से अफजल है, हर नबी तुम्हारे नबी से अफजल का कत्ल कर दो, कत्ल कर दो। तौहीन कर रहा है, कत्ल कर दो। जनाब सलमान फारसी वहां मौजूद, का भी कत्ल ना करो, जरा अली को तो बुला लो, अली के सामने तो ये दावा कर दे। मौला अली बुलाए जाते हैं, वो दावा करता है कि मैं साबित कर दूंगा कि तुम्हारे आखिरी रसूल जिनको तुम सबसे अफजल कहते हो उनसे हर नबी अफजल था, और तुम्हारी किताबों से साबित करूंगा, पूरी तवज्जो रहे, तुम्हारे जरिए साबित करूंगा। मौला अली ने कहा कोई शर्त रख दे। क्या शर्त? कैसी? क्या कोई शर्त रख? कहा शर्त रखता हूं कि अगर मैं अपनी बात को साबित ना कर सका तो मुसलमान हो जाऊंगा, कलिमा पढ़ लूंगा। कहा ठीक है, ये शर्त ठीक है। कहा तेरी अपनी दलील पेश कर। देखिए दलील पेश कर रहा है वो, सुनिए वो दलील पेश कर रहा है। आप ही का कुरान कह रहा है कि आदम को मलाइका ने सजदा किया, आदम को मलाइका ने सजदा किया। है कुरान में यह नहीं है? कहा कुरान में मौजूद कि आदम को मलाइका ने सजदा किया। कहा आपके नबी के लिए सजदे का हुक्म नहीं है। अरे आपके नबी के लिए सजदे का हुक्म नहीं, आदम के लिए मलाइका को सजदे का हुक्म, लेकिन आपके लिए, आपके नबी के लिए सजदे का हुक्म नहीं। तो कौन अफजल हुआ? आदम अफजल हुए या नहीं? मौला अली ने फरमाया अरे सजदा भी खत्म हो गया, आदम भी खत्म, सजदा भी खत्म हो गया, आदम भी खत्म हो गया। अरे वक्ती फजीलत थी, दायमी फजीलत नहीं थी। कहा आपके रसूल को क्या फजीलत है? क्या कुरान मजीद में उनके लिए दुरूद है। अरे जब तक अल्लाह है ये फजीलत बाकी है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद, एक सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद। तो मालूम हुआ कि अगर अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाएं तब हमें पता चलेगा कि रसूल की अज़मत क्या है, उनका शरफ़ क्या है, उनका मर्तबा क्या है, वरना इसी तरह से जहालत के अंधेरों में भटकते रहेंगे। एक सलवात भेज दे बुलंद आवाज़। इन्हीं ने बताया कि रसूल का मर्तबा क्या है, इन्हीं ने बताया कि रसूल का शरफ़ क्या है, और यही करबला का मैदान हमें साबित कर रहा है कि देखो नायब रसूल ऐसा होता है, वसी रसूल ऐसा होता है, वारिस रसूल ऐसा होता है। और इसी करबला ने बताया कि नायब अली कैसा होता है, जनाब अब्बास की सूरत में, कि जिनकी बहादुरी का भी कोई जवाब नहीं है और जिनकी इसार और कुर्बानी वफादारी का भी कोई मिसल नज़ीर नहीं। मगर करबला के मैदान में आका अब्बास को अपनी जिस्मानी ताकत के मुजाहरे का मौका नहीं मिला, मगर सब्र के मुजाहरे का मौका मिला, ईसार के मुजाहरे का मौका मिला, वफादारी के मुजाहरे का मौका मिला। वो किस तरह से कि आका का हुक्म नहीं है, ए अब्बास तलवार नहीं निकलना। तो मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि तलवार के कब्जे पर हाथ जाना कैसा, जनाब अब्बास ने तलवार को नजर भर के देखा भी ना हो, क्योंकि आका का हुक्म नहीं है। आखिर में जब पूरा लश्कर खत्म हो गया तो यही अब्बास हाथ जोड़े हुए सामने आते हैं, ए आका आपको मरने की इजाज़त दीजिए, ए मौला आपको मरने की इजाज़त दीजिए। पूरा वाक़या आपके सामने तफसील नहीं अर्ज़ करना है, वो तफसीली मसाइब का वक्त भी नहीं रहा है। जनाब इमाम हुसैन फरमाते हैं कि भैया अब्बास तो मेरे लश्कर के अलहमदार हो, तो मेरे लश्कर की जीनत। रिवायत कहती है नजरा यमीनन व शिमाल, जनाब अब्बास ने दाएं तरफ देखा, बाएं तरफ देखा, और उसके बाद फरमाते हैं आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसका नाम? अब जहाँ लश्कर है वहीं अलमदारी करूँगा। यही वक्त है कि रिवायत कहती है कि खेमों से बच्चों की आवाज़ बुलंद होती है कि हाय प्यास हमें मारे डाली, हाय प्यास हमारा कलेजा भून रही। इमाम हुसैन ये आवाज़ें सुनी, फरमाते हैं ए भैया अब्बास तुम देख रहे हो बच्चों को, कितने बच्चे हैं जो प्यास से दम तोड़ चुके, तो इनके लिए कुछ पानी का अहतमाम करते जाओ। अब तफसील का मौका नहीं। जनाब अब्बास मश्क सकीना लेकर चले, एक ही हमले में फुरात पर कब्जा कर लिया। मश्क सकीना भरी, मश्क लेकर चले, भागा और दुश्मन फिर वापस आया, मगर किसी को सामने से हमले की हिम्मत नहीं थी। कोई किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सामने से आकर हमला करे। अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ते चले जा रहे। फिर सर साथ ने घबरा कर जो दूसरे सरदार लश्कर थे उन सबको जमा किया और फिर आपस में गुफ्तगू की कि समझ में नहीं आ रहा है कि पानी कैसे रोका जाए। अगर पानी खेमों तक पहुंच गया तो कयामत आ जाएगी, लेकिन क्या किया जाए, किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही है कि अब्बास के सामने आ सके। तो अब फौजी सरदारों ने कहा कि हम अब्बास की जंग को देख रहे हैं, हम अब्बास की जंग को देख रहे हैं और हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि अब्बास की सारी तवज्जो मश्क की तरफ, पूरी तवज्जो मश्क की तरफ है अब्बास की, और अपनी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। पूरी कोशिश अब्बास की यही है कि मश्क में कोई तीर न लगने पाए, कोई तलवार न लगने पाए, कोई नैदा न लगने पाए। पूरी तवज्जो मश्क की हिफाजत की तरफ है, अपनी तरफ अब्बास को तवज्जो नहीं है। लिहाजा अगर छुप कर हमला किया जाए तो शायद कामयाबी मिल जाए। एक मलून एक दरख्त की आड़ में तलवार लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही आका उस दरख्त के करीब से गुजरे, इस मलून ने वार किया, आका के एक हाथ कलम हो गया। आजादाराम एक हाथ है कि जिससे नजर से जंग भी करना है, बच के सकीना भी संभालना है और अलम भी संभालना है। ये तीन काम एक हाथ से कैसे आका ने अंजाम दिए होंगे, या आका ही का दिल जानता है। लेकिन फिर छुपकर हमला होता है और दूसरा हाथ भी कट जाता है। आजादारो आलम गिर गया, नेजा गिर गया, मगर वफादार अब्बास ने मश्क सकीना नहीं गिरने दी। हमीद इब्न मुस्लिम कहता, मैंने देखा कि अब्बास ने मश्क को दांतों से संभाल लिया, घोड़े को एक पैर दे रहे हैं। वो कहता, मैं देख रहा था कि दोनों हाथ कटे हुए, मश्क दांतों में दबी हुई, घोड़े को एर देते हैं, फिर रकाबों को बुलंद होकर आगे कुछ देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बुलंद होकर कुछ देखते हैं। वो कहता है कि मुझे ताज्जुब हुआ कि इस आलम में कि जब दोनों हाथ कटे हुए हैं, मश्क दांतों में दबी हुई है, या पास बुलंद होकर क्या देख रहे हैं। वो कहता है, जब मैंने गौर किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि बुलंद होकर देखते थे कि हम सकीना का खैमा कितनी दूर रह गया, अब बच्ची तक कितनी देर में पानी पहुंचने वाला है। यही मौका था, पिछले साथ ने ऐलान किया, ए फौज वालों, अब्बास की रूह अब्बास के जिस्म में नहीं है, अब्बास की रूह मश्क सकीना में है। अरे जब तक मश्क सलामत है, अब्बास घोड़े से गिरेंगे नहीं, चाहे जिस्म के टुकड़े क्यों ना उड़ा दिए थे। खुद हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने इतनी जंगों को देखा, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई भी बहादुर इतना जख्मी होने के बाद घोड़े पर बैठा रह गया। अब्बास के जिस्म के टुकड़े हो रहे थे, मगर अब्बास घोड़े से गिर नहीं रहे थे। पिसरे साथ ने कहा कि मश्क पर तीर बरसाए जाए, 4000 तीर एक साथ चले, पूरा जिस्म जनाब अब्बास का छल्ली हो गया, मश्क सकीना छिद गई। हाँ आजादारों, यही वो वक्त था कि एक मलून गुर्दे गरामा लिए मौला के सामने आता है, ए अब्बास, मैंने सुना है बड़े बहादुर हो, मैंने सुना है बड़े शुजा हो, मैं तुम पर हमला कर रहा हूँ, अरे जरा रोक सको तो रोक लो। अब्बास ने हसरत से आसमान की तरफ देखा, पाले वाले तू देख रहा है, मेरे दोनों हाथ कटे हुए, सर पर गुर्द पड़ा, सर शिगाफ्ता हो गया, तेवर आकर जमीन पर गिरा, आवाज़ दी, आका गुलाम की खबर नहीं दे। हुसैन दौड़ते हुए पहुंचे, करबला की जमीन पर बैठ गए, जनाब अब्बास का सर अपने जानू पर रखा। रिवायत कहती है अब्बास ने सर जमीन पर रख दिया, 3 मरतबा आका ने सर जानू पर रखा, मगर हर बार जनाब अब्बास ने जानू से सर हटाकर जमीन पर रख दिया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए भैया अब्बास का तुम्हें गवारा नहीं कि तुम्हारा सर मेरे साल पर है। अब्बास कहते हैं आका कैसे गवारा कर लो, गुलाम का सर आका के साल पर। अरे जब आप जख्मी होकर गिरेंगे तो कौन आपका सर उठाकर दान पर रखेगा। हाँ, फरमाइश है। इसलिए दो जुमले औरत करना चाहता हूँ। जनाब अब्बास ने वसीयतें की, वसीयतें करने के बाद अब इमाम हुसैन फरमाते भैया सारी वसीयतें कर चुके, सारी तमन्नाएं बयान कर चुके। कहा आका जितनी वसीयतें तमन्नाएं थी सब बयान कर ली। कहा भैया क्या ये भी तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई के दिल में भी एक हसरत है, मेरे दिल में भी एक तमन्ना है। ये अब्बास दुनिया से जाते जाते मेरी हसरत और तमन्ना पूरी करते जाओ। अब्बास ने तड़प कर कहा ए आका इस गुलाम की भी जुरा है, क्या आपकी कोई तमन्ना पूरी कर सके? नहीं अब्बास मेरी एक तमन्ना, अरे सारी जिंदगी अपने को गुलाम कहा मुझे आका, अब दुनिया से जाते जाते एक बार मुझे भाई कह दो। अब्बास तड़प गए ए आका हो गुसर आंखों पर, मगर माँ ने कहा दूध नहीं बच। अगर मेरी माँ यहाँ मौजूद होती तो इजाज़त ले लेता। ये अब्बास माँ से इजाज़त चाहते हो? कहा अगर मेरी माँ मौजूद होती तो मैं इजाज़त ले लेता। अब्बास सामने निगाह डालो। अब जो अब्बास ने निगाह डाली सामने मदीना नजर आ रहा है। ये अब्बास क्या देख रहे हो? कहा रोज़ा रसूल है, खाक उड़ रही है। ए अब्बास और देखो का महल है, बनी हाशिम है, एक नन्ही सी बच्ची है जो दरवाजे की चौखट पर सर रखे हुए फरियाद कर रही है ए चचा अब्बास। अरे आप आने का वादा कर गए थे, अरे सोहरा आपका इंतजार कर रही है। ए अब्बास और देखो का जन्नतुल बकी है, अरे कब्र है शहजादी की और कोई मोमिना है जिसके सर के बाल खुले हुए हैं जो फरियाद कर रही है क्या तुम्हारी माँ उम्मुल बनी। अरे इजाजत मांग लो। अब्बास ने आवाज दिए अम्मा, ए अम्मा। उम्मुल बनी ने फातिमा जहरा की कब्र से सर उठाया। ए अब्बास क्या मदीने आ गए? क्या आका का साथ छोड़ दिया? मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, तुम्हारा दूध नहीं बख्शूंगी। ए अम्मा मैं करबला में हूँ, आका के जान पर सर है, इजाजत दे दीजिए। एक बार भाई कह दूं इजाजत है मगर एक शर्त के साथ, फिर उसके बाद जिंदा ना रहना। अब्बास की दबाव से भाई निकला, रूह परवाज़ कर गई। हुसैन